होमवर्क में कोई डाउट बेटा? कल स्टूडेंट्स होमवर्क में 12, 14 एंड 15 था बेटा, पहले उसका डाउट सॉल्व करो। तो मेरे को दो इंपॉर्टेंट सम्स करने हैं, फिर मैं वो कराऊं बेटा। सर 15 का सी एक बार बता दो। 15 का सी, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रिसीव्ड एवरी ईयर अप टू फिफ्थ ईयर एंड 2000 फ्रॉम द सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स फॉर एवर। अब इसमें कैसा करना है बेटा, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000, पी इज इक्वल टू 1000 रिसीव्ड एवरी ईयर अप टू फिफ्थ ईयर। तो पी इज इक्वल टू ए, हर साल, तो 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर, 1 प्लस आर रेस टू एन, अमाउंट है अपना 1000, 1 प्लस आर रेस टू एन, आर है 0.1, रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन 0.10, 1 प्लस 0.10 रेस टू 5, 1000। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो क्या आ रहा है, और यहाँ पे 1.10 दो तीन चार पांच 1.6105 0.6105 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इनटू 0.1610 1000 इनटू 0.6105 डिवाइड बाय 0.16105 तो 3.7907, और उसको इनटू 1000 करें तो इसकी टी आएगी 3791 या 3790। एंड 2000 फ्रॉम सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए बेटा, हमेशा हमेशा मतलब परपेचुइटी। तो पी इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ए कितने रुपए चाहिए, 2000 डिवाइडेड बाय आर 0.10। देखो इसका पी क्या आ रहा है बेटा, 20,000। ये 20,000 मुझे सिक्स्थ ईयर में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे उसका आज का अमाउंट फाइंड करना है, मतलब ये अमाउंट है। तो ए इज इक्वल टू, सॉरी, पी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन, 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 रेस टू 5। तो 20,000 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करो ना, कितना आ रहा है बेटा, 1.6105। इसको डिवाइड करो, देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 12,418। तो एक ये 12,418 और दूसरा ये 3790 प्लस 12,418, देखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, जोरदार समय, 15,208। देखो क्या किया बेटा, एक बार पूरा सम फिर से समझेंगे ध्यान से, आज ऐसा ही सम में लॉजिकली कराने वाला था पर हो गया, चलो बहुत बढ़िया है। कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रिसीव्ड एवरी ईयर अप टू फिफ्थ ईयर, 1000 रुपया हर साल मिलना चाहिए 5 साल तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। हर साल मिलना चाहिए मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वाली फॉर्मूला, उस एन्युटी वाली फॉर्मूला के हिसाब से हमारा प्रेजेंट वैल्यू आया 3790 एंड 2000 फ्रॉम सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स फॉर एवर। छठे साल से हर साल मुझे 2000 रुपया मिलना चाहिए, फॉर एवर मतलब परपीचुइटी। कल मैंने आपको बताया था परपीचुइटी की पी की फॉर्मूला होती है ए अपॉन आर, हमको हर साल 2000 रुपया मिलना चाहिए डिवाइड बाय 0.10, मतलब उसके लिए मुझे छठे साल में 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे तो इन्वेस्ट आज करना है ना, तो ये मेरा अमाउंट होगा जो मुझे 6 साल के बाद मेरा अमाउंट बनेगा, तो उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो पी की फॉर्मूला ए अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन, इसका मतलब अगर मैं आज 12,418 रुपया इन्वेस्ट करता हूं तो छठे ईयर से लेके हर साल
मुझे 2000 रुपया मिलता जाएगा। कैलकुलेशंस क्लियर बेटा, सम क्लियर? यस सर। कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट, तो दो इंपॉर्टेंट सम्स करा दो जल्दी। बेटा सम कंप्लीट हो जाए तो बता देना स्टूडेंट्स। हो गया सर। हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा सबका। स्टूडेंट्स अब इसी लॉजिक वाला क्वेश्चन नंबर 9, सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या लिखा है बेटा, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 अ परपेचुइटी ऑफ पर ईयर टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल से मुझे 100 रुपया हर साल परपेचुइटी मिलना चाहिए बेटा। तो अब परपेचुइटी की फॉर्मूला ए अपॉन आर, हर साल मुझे 100 रुपया मिलना चाहिए, डिवाइड बाय इंटरेस्ट का रेट है 0.10। तो देखो पी क्या आया बेटा, 1000। लेकिन ये 1000 थर्ड ईयर में चाहिए, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट तो आज करना है बेटा। तो आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है ए अपॉन 1 + r^n। ये जो तीसरे साल का अमाउंट है, तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू 1000, वो आज के लिए हो जाएगा अमाउंट 1000 डिवाइड बाय 1 + 0.10 / 2, क्योंकि तीसरे साल से तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे 2 साल अभी इन्वेस्टमेंट करना है। इसका देखो कितना आंसर आ रहा है बेटा, सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू, देखो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 826.44। मतलब 826 रुपीज अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूं तो थर्ड ईयर से लेके जिंदगी भर तक मुझे 100-100 रुपया हर साल मिलता रहेगा। क्लियर हो गया बेटा सम स्टूडेंट्स? स्टूडेंट सम क्लियर हो गया बेटा? कंप्लीट करो तो एक जोरदार सम करा हूं, लास्ट 7th नंबर इस चैप्टर का आखिरी, आज ये कंप्लीट बेटा, कल से स्टार्ट शुरू। हो गया सर।
स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया बेटा सम? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सम जो कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है बेटा, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली भी बहुत यूजफुल है। 7 नंबर सम बेटा, क्या लिखा है? अ मैन बोरोड रुपीज 3 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फाइनेंस द परचेज ऑफ अ कार फॉर 15 इयर्स। एक आदमी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख रुपए का लोन लिया 15 साल के लिए। अब ये 3 लाख क्या है ना बेटा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है ये पता नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा। 15 इयर्स के लिए मतलब n इज इक्वल टू 15, अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट 12% पर एनम। आर दिया है उसका 12%, 12/100 मतलब 0.12। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, उसका हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए वो फाइंड करना है। लॉजिक समझना बेटा, 3 लाख रुपए उसको टोटल बैंक को वापस करना है, तो दैट इज द बेसिकली अमाउंट। हर साल उसको कितना पैसा डालना है मतलब प्रेजेंट वैल्यू अपन को फाइंड करना है, लेकिन बार बार पैसा फाइंड करना है इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिप पी की कौन सी वाली फॉर्मूला यूज होगी बेटा, जो हमारी बार बार मतलब एन्यूटी वाली फॉर्मूला। तो एन्यूटी वाली फॉर्मूला होती है, सॉरी बेटा, अमाउंट वाली फॉर्मूला ए पी, क्योंकि ए अपन को दे रखा है पी 1 जस्ट अ सेकेंड बेटा। P is equal to A 1 plus R raised to N minus 1 upon R 1 plus R raised to N। एक बार रुकना है बेटा, टोटल 3 लाख रुपया देना है मतलब ये होगी मेरी प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एंड प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन फॉर्मूला हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट वाली लगाई और ए मुझे इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करने, 1 प्लस आर 0.12 रेस्ट टू एन है 15 माइनस 1 डिवाइड बाय आर है 0.12, 1 प्लस 0.12 रेस्ट टू 15। ओके, लॉजिक समझना बेटा, हमने आज 3 लाख रुपए का लोन लिया है बेटा, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख 15 साल के लिए, आर इज इक्वल टू 12/100 और मुझे उसकी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है मतलब ए फाइंड करना है। अब पी मुझे दिया हुआ है बेटा, इसलिए पी वाली फॉर्मूला मुझे इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, इसलिए ए 1 प्लस आर रेस्ट टू एन माइनस 1 अपॉन आर 1 प्लस आर रेस्ट टू एन। पी की जगह मैंने 3 लाख लिखा, ए मुझे फाइंड करना है इंस्टॉलमेंट मतलब एक्स। अब 1.1 प्लस 0.12 रेस्ट टू 15 माइनस 1 इसको सॉल्व करूं बेटा, तो 3 लाख एक्स ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे पहले, 1 प्लस 4.4736 1.12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 मतलब 4.4736 डिवाइडेड बाय 1.12 दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इंटू 0.12 तो आंसर रहेगा 0.6568। 3 लाख इज इक्वल टू एक्स, इसको डिवाइड करेंगे 4.4736 डिवाइड बाय 0.6568 तो 6.8112। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6.8112 इज इक्वल टू एक्स, तो देखो एक्स हमारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमको मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 44045 मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट होगा 44045 रुपीज का, जो हमको 15 साल तक पे करना है अगर मैं आज 3 लाख रुपए का कार लोन ले रहा हूं तो। सम क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स स्टूडेंट सम क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ओके कंप्लीट कर दो बेटा सम फटाफट।
हो गया सर। बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका? ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा ये हमारा लास्ट में इंस्टॉलमेंट आया, ये लास्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट होगा ना? हाँ ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर बेटा 15 साल से, 44,045 इनटू 15 साल कर बेटा 6,60,675। इसका मतलब तुमने अगर 3,00,000 का लोन लिया ना तो तुमको कितने रुपए चुकाने पड़ रहे हैं बेटा? 6,60,000। समझ आया बेटा? क्लियर सम हो गया बेटा? क्लियर सबको? अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर की मैं एक शीट आप लोगों को बेटा आज शाम को भेजूंगा, जो आप लोगों को कल फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। कल अपन बेटा स्टैट्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे, मंडे हम लोग उस शीट के डाउट सॉल्व करेंगे और हमारा जो स्टैट्स का लेक्चर होगा उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा अकाउंट्स हो गया कंप्लीट, अब बाकी स्टैट्स वो हम लोग कल से लेके स्टैट्स का चैप्टर शुरू कर देंगे। बेटा स्टैट्स में हमने कौन से चैप्टर कर लिए हैं बेटा? तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया। ओके मैट्रिक्स हो गया, दूसरा आई थिंक डिसीजन थ्योरी हो गया बेटा, डिसीजन थ्योरी हो गया बेटा, ईएमवी वाला हो गया। तो बाकी एक गेम थ्योरी बचा है और दूसरा कौन सा बचा है बेटा? एक गेम थ्योरी और दूसरा अंदर पड़ी। चलो ठीक है देखते हैं बेटा, जो भी है कल से लगभग अपन गेम थ्योरी का चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, बाय बाय सर, बाय बाय।